मुझे कुछ नहीं था जिस जिस गुजर की पत्नी रंगी वो उसको लाखों से हो गए रोहित चरण टाटा रोहित चरण टाटा अगला एमएलए का उम्मीदवार कौन खुशी सर उसके पीछे मलिक सर ये दो दो एमएलए चुने गए था ये दो दो एमएलए चुने गए था दुर्यो अकरम सर उसके पीछे प्रदीप सर एक चुने सोचेंगे ये लोग जन्मों में क्यों बैठा पूर्णदान तो कहना वो सरदार बहुत खराबी कर गया सारे लोग कहना कल सरदार गए तो ना इतनी ताकत है तो मुझे लोगों में दिल चुके होना हमने बहुत दिया मेरे मोहतरम बुजुर्गो मेरे साथियों मेरी बहनों और मेरे नौजवान अजीजों सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम आदाब अल्लाह का शुक्र है आज दादा में भी आने का मौका मिला जिस तरह मेरे भाई करतार जी कह रहे थे कि जब दादा को देखते हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी जरूर होती है हमें मेरे रोटी साथ कहने की आदत है तो हम कहेंगे कहीं हमसे भी थोड़ी सी गंभीर हो गई है जो सच है उसको नहीं बोलेंगे और सच की बात करने के लिए असल मकसद मैं भी यहाँ पर आया था इलेक्शन कंपेन के लिए लेकिन जब जिस तरह से यहाँ पर बातें हुई खुशामदीद कहा गया वेलकम कहा गया मुझे लगता है वो तो वैसा ये जो जश्न था ये तो जश्न के लोगों ने इन्होंने आपने हमेशा अपना रिश्ता निभाया इसमें कोई भी शक नहीं है आपने हमेशा एक रिश्ता निभाया किसी भी वक्त आपने ये पर्व किस वजह हुआ जिस वजह ऊंच या नीच हुआ जिस वजह हमें किसी मुश्किल वक्त में या खुशी में तो मुझे नहीं लगता इस तरह कि ज्यादा का कोई भी फर्ज कोई भी काम जो है कि हमारी ऊंच या नीच में शरीक ना रहे हमें चाहे वह सियासी हुआ समाजी हुआ या किसी भी चीज में इस तरह उसमें अगर तसल्लुक की वजह से हम लोग एक का हमारा वो फर्क नहीं है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इतना बरसों के बाद भी एक ये बहुत बड़ी चीज है कोई इतराफ हमारे अंदर अलग ही मौजूद नहीं है कोई लकीर हमारे अंदर अलग ही खींची गई हालांकि लोगों ने कोशिश भी की बहुत ज्यादा कोशिश की मैंने पता हर तरह का हलवा अपनाया हर तरह भी जतन किया लेकिन ये हर जतन में भी नाकाम होया बहुत बड़ा नाकाम होया तो अल्लाह का सब तो बड़े शुक्र है क्योंकि प्यार मोहब्बत यह चीज वैसे तो हम किसी चीज में अगर उसको ज्यादा होता है किसी चीज की दुरुस्त नहीं होती असल मकसद एक दुनिया की तकलीफ समझनी और एक दुनिया की तकलीफ ना खत्म करना सब जरूरी चीज है
सारी तकलीफ सड़क की गल है, डिपेंसरी की गल है या हाई स्कूल की गल है, इसके बीच में शक है नहीं, इसके बीच ये सवाल हो ही नहीं सकते कि ये कोई जो कोई शौक नहीं है या कोई ये झूठ है, कोई जो शौक नहीं हो रहा है ये शौक नहीं है, लेकिन ये झूठ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे थोड़ा देखा करो तो हम सियासत में लोग कम करें, हर जगह का लोग देखा है, हर जगह का आदमी ने गलती भी है, लेकिन सारा बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यह उन्होंने मुबारकबाद दिया इस कौम की जिनना लोगों की नस्ल अगर अच्छी है उसको उसमें और कोई चीज नहीं होती, सबसे बड़ी चीज है जिस वह तकरीर करें था, जिस वह गल करें था, जिस बुर्दबारी ना, जिस नजरिया ना, जिस सोच ना, और उन्हें पेश करने वाला थो कि हम किस तरह गल करें, हालांकि पास हो गए हैं मैं उतनी अच्छी गल नहीं कर सकता जिन्हें तो मैंने अच्छी गल किया है, वो सब गए, लेकिन इतना आदमी ने हर चीज बड़ी खूबसूरती ना जज्बात बेहद जज्बात करना, जज्बात में रह गया था वो बैलेंस रहना बहुत बड़ी मुश्किल गल है। अल्लाह का शुक्र है चाहे बुजुर्ग ने चाहे नौजवान ने पीढ़ी अपनी विरासत ना कायम रखी हुई है, सबसे बड़ी चीज है यह विरासत है, इस विरासत ना कायम रखना बहुत बड़ी चीज है, तो अल्लाह इन्हें कामयाबी है, ये फले फूले बहुत कामयाब है, मेरी ये दुआ है। चलो खाने पीने इज्जत है बस चीज है, हर चीज दर पर है, लेकिन इन जालमा को बाकी लोगों ने भी छुटकारा करना, किसी ने किसी ने तो रुकना पड़ना ना, आज अगर वो लाज में लाज खड़ा हुआ थोड़ो को गाँव में वो तो जो लाज में लाज खड़ा था कांग्रेस की टिकट का याद नहीं ना मेरी ठीक है नहीं उस लाज से होता ना उनको मुश्किल तो नहीं थी तो हमारे देखा करें कंपेन कोई मुश्किल आया करा उसमें जब मुमताज साहब ने मुश्किल आती थी तो मीना आवे नहीं थी नहीं आती, लेकिन इस जिस वजह इन्हें फिर वही जुल्म मानने की कोशिश की नहीं जी इसे ने लड़ लो कांग्रेस को या ग्रीन पार्टी को लड़ नहीं सकते अलायंस इसकी गल करें कहीं से बगावत की अपना हिसाब में या कि नहीं गल है बाकी जगह तो बगावा हर को है दूसरी जगह हर को है इसको जो कांग्रेस अगर असलायंस साहब कांग्रेस में ये लड़ नहीं सकता जो भी चल जुर्म है इस जगह में क्यों क्योंकि असलायंस साहब वह चीज नहीं कर सकते जो खुर्शीद साहब कर सकते वह चीज नहीं तो कर सकते इस वक्त जितना अगर भी इतना खूबसूरत होता इतना नेक नियत होता इतना चंगा होता तो फिर पहला घर तो शुरू करता उन्हें कि तू जाना शुरू किया चौथी पंचायत को जाना शुरू किया चौथी ग्रुप उन्हें किया ने इस वक्त ये चीजें इन चीजों को जवाब देना है इस वक्त कंपैस नहीं है कहा नौजवान लोग ना उनको वक्त था रहा है इंशाल्लाह ताला कल सरदार गए तो ना यही खराबी होती
हमने कोई थोड़ा पसंद भी दिया हमें गाना भी दिया है गाना भी लाख आप झूठ बोलेगा ताकि हाँ हाँ हमारे सब ठीक है हाँ हाँ सब ठीक है भाई लोगों को भी तो सुनो किसानी पीएम है जोड़ी थी